Okay, students, so today we are going to start with the medical termination of pregnancy. That is known as the MTP, or in the normal language, we also call it the abortion. What is medical termination of pregnancy? Kis case mein possible hai? Kab karni chahiye, kab nahi karni chahiye? What are the reasons behind it? And what are the consequences of it? किस केस में लीगल है, किस केस में इलीगल है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं हम रीड करने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. बेसिकली इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर हम बेबी को अबॉर्ट करवा रहे हैं, इंटेंशनली वी आर गोइंग टू रिमूव दैट एम्ब्रियो फ्रॉम अवर बॉडी बिफोर इट टेक्स बर्थ, इट इज नोन एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन और अबॉर्शन. 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर. That means that basically there are near about 1 crore cases, or we can say 0.5 crore cases. Yeah, near about 0.5 crore cases that takes place every year. Every year, इतने सारे बच्चों को कोख में ही मार दिया जाता है all over the world. That is 1/5 of the total number of conceived pregnancies ka result kya hota hai? Abortion. The total 1/5 of the conceived pregnancy are removed out from the body, and that is known as a medical termination of pregnancy. See, of course, MTP helps to decrease the population, but still we can say a beating heart is a life. Everything that is have a heart which is beating, that has a life. ठीक है, तो हम नहीं कह सकते that NTPs जो है they help in decreasing the population. There are also various certain methods with the help of which we can decrease the population, not only the MTP. MTP is not the only solution. So this is the थिंग दैट की एमटीपी, हाँ ठीक है, एक मेथड है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का, बट नॉट द ओनली मेथड टू डिक्रीज द पॉपुलेशन. मैनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज. बहुत सारी डेवलप्ड, बहुत सारी अच्छी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें एमटीपी को लीगल नहीं माना जाता, जिसमें माना जाता है कि MTP is a illegal procedure, and किसी भी केस में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी एक beating heart को, कभी भी एक new to be born life को मारना नहीं चाहिए. So these are the things that are considered. Emotional regions होते हैं, ethical regions होते हैं, social issues होते हैं, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं जो क्या करती हैं एक pregnancy को अबॉर्ट करवाने के लिए नुकसानदायक मानते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू चेक इलीगल फीमेल फिटेसाइड्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, पहले के इंडिया में बहुत ही ज्यादा अबॉर्शंस होते थे, स्पेशली इफ द न्यूबॉर्न बेबी इज टू बी अ डॉटर. सेक्स डिटर्मिनेशन का केस चलता था, सेक्स रिजेम्बलेंस का केस चलता था, तो फीमेल फीटेसाइट होते थे बेसिकली. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो है रूल्स निकाले, लॉज निकाले, दैट were to prevent the illegal female feticides. Now, importance of MTPs. देखो
दिस इज द ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो, दिस इज यूटेरस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दिस इज द 9 week fetus. This is the tenaculum. This is the cannula. This is the speculum. And cutaway view of mother's pelvis. कि मदर की पेल्विस को यहाँ पे दिखाया गया है एंड दिखाया गया है कि कैसे करके एक एम्ब्रियो को बॉडी से बाहर निकाला जाता है एंड उसके बाद उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमटीपी? हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक बेबी है जो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कंसीवेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. बट अगर फिर भी किसी केस में प्रेगनेंसी हो गई है एंड द बेबी इज अनवांटेड, तो टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे कि एक कपल है उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं फिर भी वो प्रेगनेंट हो गई दोबारा, तो इन दैट केस एमटीपी वो एक मेथड है जो चूज कर सकती है. Due to casual intercourse or failure of the contraceptive use during the coitus or during a rape case. A rape case में क्या होता है? Basically जो victim होता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा mentally tortured होता है, mentally weak हो जाता है, emotionally imbalance हो जाता है. तो इस case में जो female होती है अगर वो pregnant हो जाए तो she has the full right of of MTP, so that उसको फ्यूचर में कोई भी इस टाइप की embarrassment या कुछ और ना झेलना पड़े. It is essential in cases where continuation of pregnancy could be harmful for the mother or the fetus or both. तो इस केसेस में भी जो है फीमेल जो है बेसिकली एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है लीगल होता है, कि अगर बच्चे के पैदा होने से या बच्चे को कैरी करने से मदर की हेल्थ को कोई नुकसान है तो मदर कैन ऑप्ट फॉर एमटीपी. एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर मतलब कि फर्स्ट 3 months के अंदर जो प्रेगनेंसी है दैट इज वेरी वेरी सेफ एंड अप टू 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी इट इज वेरी सेफ. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर वेरी रिस्की. सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बेबी डेवलप हो जाता है, बेबी बहुत ही ज्यादा यूटरस के साथ अटैच होता है, अगर उस टाइम में हम अबॉर्शन करवाने जाते हैं तो या बेसिकली अगर उस टाइम पे अबॉर्शन होता है तो यूटरस वॉल के साथ साथ मदर की हेल्थ को नुकसान हो सकता है. तो ये एक केस है कि बोलते हैं अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी का पता तो चल जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले ही, अगर किसी ने प्रेगनेंसी को एंड करवाना है तो वी कैन टर्मिनेट इट मेडिकली. प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एमटीपीज. सी मेजोरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली. जो डॉक्टर्स होते हैं अबॉर्शन के लिए, जो छोटे लोग होते हैं मतलब छोटी सोच वाले लोग बेसिकली हम बोल सकते हैं, जो वैसे तो वेल्थ से तो बहुत अमीर होते हैं लेकिन दिल से बहुत गरीब होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर अबॉर्शन या तो वो डॉक्टर को खरीद लेते हैं. अगर वो डॉक्टर को खरीद लेते हैं दैट इज गुड, बट इन सम केसेस क्या होता है कि डॉक्टर्स आजकल के बहुत ही ज्यादा मैच्योर प्रोफेशनल एंड डॉक्टर्स आर ऑफ कोर्स वेरी गुड पर्सन, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन करने से मना कर देते हैं. तो ऐसे लोग नर्सेस के पास चले जाते हैं. नर्सेज या फिर वी कैन से कि इम्प्रोफेशनल जो पीपल होते हैं, बिकॉज वी कैन से दैट अ नर्स इज वो कितनी प्रोफेशनल है या फिर उसने कितना जो भी उसकी डिग्री होती है, वैसे भी अगर कोई पर्सन ऐसा काम कर रहा है तो ऑफकोर्स वो प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है. तो ऐसी चीजें होने लग जाती हैं एंड जिसकी वजह से मदर और बेबी दोनों की हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. मदर को नुकसान हो सकता है फ्यूचर में भी एंड समटाइम्स मदर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो जाती है इन दिस केस. सो मेजोरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली. मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन.
एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट होने शुरू होता हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि होने वाला बच्चा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो बेबी बॉय के केस में क्या होता है, वो जो फीटस है उसको रहने देते हैं, बच्चे को पैदा करवा देते हैं। लेकिन अगर वो जो बच्चा पैदा होने वाला है तो फीमेल है, तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। सो दिस इज वन वेरी वेरी बिग कंसर्न जो रिलेटेड है विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इफ द फीटस इज फीमेल, इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि फीटस अगर फीमेल है तो उसके क्या करवा दो, मेडिकल टर्मिनेशन करवा दो प्रेगनेंसी की। एंड अगर डॉक्टर्स नहीं मानते हैं तो लोग हैं वो किसी और टाइप का तरीका चूज करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की परवाह होती है और बाकियों का किसी का भी नहीं सोचते, चाहे किसी भी पर्सन का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। सच प्रैक्टिसेस आर डेंजरस फॉर यंग मदर एंड फीटस। अब अगर केस ले लिया जाए, 18 साल की या 20 साल तक की कोई भी लेडी है, वो प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी, एंड उसका फीमेल, उसका उन्होंने एमनियोसेंटेसिस करवा लिया और फीमेल फीटोसाइड का केस बन गया। अगर इतनी छोटी एज में एक मदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लेडी तैयार ही नहीं होती है बेबी को पैदा करने के लिए, उस केस में आप उसका फीमेल फीटोसाइड करवा रहे हो, तो वो मेंटली फिजिकली एंड हेल्थ वाइज कितनी ज्यादा टॉर्चर हो सकती है आप नहीं समझ सकते इस चीज को। दिस इज एथिकली रॉन्ग, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। हमारे संस्कार, हमें इंसानियत को देखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी हमें ये चीजें नहीं सिखाती है। वी शुड थिंक अबाउट द पीपल, थिंक अबाउट द गॉड, जिस भगवान को हम मानते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट एमनियोसेंटेसिस। इन दिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज द fluid that is surrounding the embryo of the fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. Fetal cells ko analyze kiya jata hai, usme se chromosome mapping ki jati hai. Chromosome mapping se pata chal jata hai ki jo baby hai uske paas XX hai ya XY hai. Agar XY hai to that is a male, agar XX hai to that is a female. To aise karke doctors hai jo result bata dete hain parents ko, and parents kya karwa dete hain, medical termination of pregnancy karwa dete hain. बट एमनियोसेंटेसिस जो है इंडिया में लीगल भी है इन मेनी केसेस। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के केसेस में ये लीगल है, सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस के केसेस में भी ये। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा था, वो पहले पैदा हुआ पर वो मर गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इन केसेस में क्या है, इन केसेस में जो एमनियोसेंटेसिस है दैट इज लीगल, या फिर पहले कोई बच्चा पैदा हुआ उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, इन केसेस में भी जो है एमनियोसेंटेसिस इज लीगल, otherwise it is illegal. Okay, so let us come to the next point, and that is Government of India enacted the Medical Termination Pregnancy Act 2007 to reduce the illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. लोग पहले तो छोटी उम्र की लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं, प्रेग्नेंट करवा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनको मेडिकली टर्मिनेट करवाने पे मजबूर कर देते हैं। तो इसी केस को, इसीलिए बहुत सारी फीमेल्स की डेथ होती है, फीमेल फीटस की भी डेथ होती है, एंड जो लेडीज होती हैं उनकी भी डेथ होती है। लोगों को तो परवाह होती नहीं है, एक है तो दूसरी आ जाएगी, एक मर गई तो दूसरी शादी करवा देते हैं बच्चों की। तो ये सब कुछ इंडिया के बहुत ज्यादा रीजन्स में चलता है। हालांकि जो पंजाब रीजन है दैट इज वेरी वेरी बेटर इन दिस केसेस। पंजाब में तो मतलब जो लड़कियां हैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है एंड उनको इक्वालिटी भी दी जाती है। आइदर देयर इज कोई भी गांव है या फिर कोई भी शहर है, हर जगह पे लड़कियों को प्राइड माना जाता है। दैट इज अ गुड, वेरी गुड थिंग ऑफ पंजाब दैट आई कंसिडर। बट बाकी केसेस में इंडिया के, जैसे कि राजस्थान हो गया या बहुत ही ज्यादा कई केसेस, कई रीजन ऐसे हैं, यूपी बिहार जैसे, जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लड़कियों को एक टाइप से बोझ माना जाता है, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश इट्स वेरी वेरी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस का चलता है, क्योंकि वहाँ पे और भी कल्चरल डिसीजेज हैं वो फैली हुई हैं। कल्चरल डिसीजेज जैसे कि दहेज लेना, फीमेल फीटेसाइड करना, अर्ली मैरिज करवाना, लड़कियों को बेचना, ये वो।
Okay. According to this act, a pregnancy may be terminated within a first 12 weeks on opinion of a registered medical practitioner. Medical termination of pregnancy के लिए first of all हमें क्या करवाना पड़ता है, register करवाना पड़ता है कि क्यों हो रही है, किसकी हो रही है, वो हमें अपना permanent residence और सारे proof देने पड़ते हैं, क्या case है, कोई genuine case है या फिर कोई health issue related case है या कोई rape case है. इस चीज को पहले वो सारा नोटिस नोट डाउन किया जाता है अपनी फाइल में एंड फिर उसको पढ़ा जाता है एंड ऑब्जर्व किया जाता है. इफ द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 टू 24 वीक्स, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन. आरएमपीज जो होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना व्यू पॉइंट रख के वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. This was all about the medical termination of pregnancy, and medical termination of pregnancy is illegal in India in many of the faltu ke cases mein main bol sakti hu, but genuine cases mein it is always helpful. Ye jo cheez hai that is unethical, hame kisi bhi two born life ko marna nahi chahiye. To the next topic we are going to discuss now, the sexually transmitted disease or the STDs. Let us go to the topic. ओके तो दीज आर द डिसीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और इंफेक्शंस एसटीडीज और एसटीआईज वेनेरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस. For example, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, HIV leading to AIDS. These are the sexually transmitted diseases that are transmitted through the reproductive tract. What is the मतलब ये जो diseases हैं ये कैसे फैलती हैं? Hepatitis B and HIV are also transmitted by sharing injection needles, surgical instruments, etc., by transfusion of blood from infecting mother to the fetus. Except hepatitis B, genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Except hepatitis B in the later stage, genital herpes and HIV. ये चार डिसीजेस हैं जो ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं. बाकी सारी डिसीजेस जो हैं वो क्योर कर दी सकती की जा सकती हैं अगर इनका प्रॉपरली ख्याल रखा जाए. एंड अगर इनका प्रॉपरली ख्याल रखा जाए तो सिम्टम्स किसी भी एसटीडी के सिम्टम क्या है कि किसी को एक एसटीडी हो चुका है. कोई भी एसटीडी हो सकता है, इट कैन बी हर्ब्स, इट कैन बी अ सिंपल ट्राइकोमोनियासिस डिसीज या फिर कुछ और भी हो सकता है. तो इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आर इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज विद स्लाइट पेन इन द जेनाइटल ऑर्गन्स, स्वेलिंग इन द जेनाइटल ऑर्गन्स. दीज आर द बेसिक अर्ली सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं. अगर हम इन सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देते हैं, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स एंड द सोशल स्टिग्मा डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन टू कंसल्ट अ डॉक्टर. हम डॉक्टर को नहीं कंसल्ट कर सकते क्योंकि हमें एम्बेरसमेंट फील होती है. इसी वजह से क्या है, लोग नहीं जा पाते डॉक्टर के पास और अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है. This leads to the complications such as pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancy, infertility, or cancer of the reproductive tract. अगर कोई sexually transmitted disease हमें हुई है फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप को change नहीं करते हैं, अपना hygiene change नहीं करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो it may end up with a worse and worse condition, that is stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, cancer, etc. Now
prevention, how can we prevent the occurrence of the STD, that is a sexual transmitted disease? We should avoid sex with the unknown partners or multiple partners, because we never know that who is having a STD or what is his family background, etc. Always we should use condoms, because condoms are the only contraceptive methods that prevent STDs. Condom ke through STD nahi hota hai. So condom is the one and most usable method of contraception, and wo use karna hi chahiye. In case of a doubt, go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment. Agar kisi ko bhi koi doubt hai, agar inme se koi cheeze hui hai, sex with the unknown partner without a condom or without a contraception, aapko lag raha hai ki aapko STD ho chuka hai, to fir aap kya kar sakte ho, doctor ke paas ja sakte ho and unse consultation le sakte ho. All the persons are vulnerable to STDs, but 15 से लेके 24 तक के एज ग्रुप में ये STDs बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लैक ऑफ नॉलेज होती है एंड लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, एंड दे आर सेक्सुअली वेरी एक्टिव पर्सन. सेक्सुअली एक्टिव होने की वजह से ही कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं एंड फिर सारी जिंदगी भुगतते हैं. सो प्लीज यू शुड नेवर डू एनीथिंग लाइक दिस, दैट इज अगेंस्ट यू एंड योर फैमिली एथिकल्स. नेक्स्ट थिंग इज इनफर्टिलिटी. दिस इज अ सो ब्यूटिफुल पिक्चर दैट इज टेलिंग दैट अ बर्थ, a newborn baby is everything, every heal to every disease, every kind of wound can be healed with the help of a baby. This is the case of infertility. Infertility means inability to reproduce, inability to conceive, inability to give birth to a child. Infertility, inability to reproduce, to conceive or give birth to the child. This is the inability to conceive or produce children even after 2 years of protected sexual cohabitation. अगर दो साल तक कोई try कर रहा है pregnant होने के और वो pregnant नहीं हो पा रहा है तो वो क्या है, infertile माना जा सकता है. The reasons for this may be physical, congenital diseases, drugs, immunological or even physiological problems. ठीक है, इसकी कोई भी एक डिसीज है, एक इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वीकनेस है किसी में, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई ड्रग्स से रिलेटेड चीज है, कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है. These disorders can be treated in fertility clinics using assisted reproductive technologies. Infertility clinics होते हैं, infertility hospitals भी होते हैं, जो क्या करते हैं, ARTs provide करते हैं. ARTs are the assisted reproductive technologies which provide, yeah, basically which provide the assistance to the reproduction in the females or in the males that are unable to reproduce, that are known as the infertile people. So the technology is used to correct the infertility problems, maybe gamete, intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, artificial insemination, surrogacy, in vitro fertilization. These can be the methods to the IVF techniques. IVF, in vitro fertilization. In vitro fertilization में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एग इज कलेक्टेड, देन अ स्पर्म इज कलेक्टेड. लेबोरेटरी में इनको मेट मीट करवा दिया जाता है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लेबोरेटरी, देन जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोज है, दे आर अलाउड टू ग्रो इन द लेबोरेटरी एंड एम्ब्रियोज को यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Then the zygote formation is the second step. Then zygote is allowed to grow into the embryo.
then this embryo is allowed to fertilize in the yes. Types of embryo transfer are zygote, intra-fallopian transfer, and intrauterine transfer (IUT). Zygote को भी हम fertilize कर सकते हैं fallopian tube के अंदर या फिर हम जो embryo को है वो uterus के अंदर transfer कर सकते हैं. In this method, ova from the lady or the wife is and sperms from the husband are taken to form the zygote. एंड उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है. जायगॉट भी ट्रांसफर हो सकता है. जायगॉट को ट्रांसफर करना है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा. एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है तो वो यूटेरस के अंदर ट्रांसफर होगा. जायगॉट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर दैट इज नोन एज ZIFT. ट्रांसफर ऑफ द जायगॉट और अर्ली एम्ब्रियोज इनटू द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो जायगॉट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है. अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स को हम जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्यूब वाली कैटेगरी में इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर वाली कैटेगरी में कंसिडर करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. मतलब या तो जायगॉट या फिर अप टू 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज तक हम वेट कर सकते हैं. एंड वी कैन दोनों को हम इन दोनों केसेस को जायगॉट एंड कोई भी जो एम्ब्रियो है प्री एम्ब्रियो बेसिकली 8 ब्लास्टोमियर्स तक का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कर ट्रांसफर करते हैं. एंड उससे बड़े वाला कोई भी एम्ब्रियो है दैट इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स उसको हम यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करते हैं. वी ट्रांसफर दैट ऑर्गेनिज्म इनटू द यूटेरस. एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन is also used for such transfer to assist those female who cannot conceive. So in some cases क्या होता है कि in vivo fertilization हो जाती है and मतलब egg तो पड़ा ही है fallopian tube के अंदर और वहीं पे जो sperm है उसको भेज दिया जाता है so that fertilization take place. कई बार क्या है artificial naturally fertilization नहीं हो पाती but gamete intrafallopian transfer या gift की help से जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है. ये क्या है जहां पे ओवम पड़ा है फेलोपियन ट्यूब पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के पास हम क्या है स्पर्म को भेज देते हैं जिसकी हेल्प से क्या हो जाती है फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाती है एंड प्रेगनेंसी हो जाती है. द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यहाँ पे ओवा को भी हम कर सकते हैं ट्रांसफर और स्पर्म्स को भी कर सकते हैं ट्रांसफर. द नेक्स्ट थिंग इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. यहाँ पे क्या होता है एक लेबोरेटरी है जहां पे सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है एग के अंदर डायरेक्टली. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन टू द विमेन्स यूटेरस. बाहर लेते हैं ओवम, ओवम के अंदर स्पर्म है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करवा दिया जाता है एंड उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसको यूटेरस के अंदर इम्प्लांट करवा दिया जाता है. द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और अ डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना और द यूटेरस ऑफ द फीमेल. दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन इज द प्रोसीजर ऑफ स्पर्मिएशन या सीमेन का जब बॉडी के अंदर जाने का प्रोसीजर है उसको बोलते हैं इनसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग है ह्यूमन असिस्टेड इनसेमिनेशन होती है टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इनसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट. लो स्पर्म काउंट के केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं. These things are very very important for you. जो यहाँ पे लिखा गया है कि इस केस में जिस केस में फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पाती है बट एनवायरमेंट दे सकती है उस केस में हम गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यूज करते हैं. जिस केस में मेल का लो स्पर्म काउंट है उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं. जायगोट इंट्राफर्टिलाइजेशन ट्रांसफर किस में यूज किया जाता है जिस केस में जायगोट है वो नहीं फॉर्म हो रहा है नेचुरली तो उसको हम असिस्टेंस करते हैं. सरोगेसी. सरोगेसी क्या होता है कि सरोगेट मदर होती है एक
ये दो पेरेंट्स हैं, इन इसका स्पर्म है और इसकी एग है, बट ये जो फीमेल है दैट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड नेचुरली, ये नेचुरली अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो ये इस इन दोनों ने अपने गैमीट्स को यहाँ पे इस लेडी के अंदर ट्रांसफर करा दिया। दिस लेडी इज द रियल मदर, बच्चा जो होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहिबिट एग्जिबिट करेगा, बट दिस वन इज द फीमेल, दिस वन इज द फीमेल जिसको बोलते हैं सरोगेट मदर, मतलब वो 9 महीने तक बेबी को अपने बॉडी के अंदर पालेगी। Here a woman bears a child for couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry. The surrogate is impregnated through artificial insemination or implantation of embryo produced by IVF. This case is surrogacy. Surrogacy के अंदर दो mothers होती हैं, one is the real mother, other is the surrogate mother. Surrogate mother बच्चे को पैदा करके दे देती है real parents को. Problems with ART. It requires high precision handling and specialized professionals ke through karna hoga. Therefore, these facilities are available in only very few centers. Few centers of the countries mein ye present hota hai. Agar kisi unprofessional ke paas hum jayenge, to aisa bhi ho sakta hai ki jo baby paida ho raha hai, wo ek genetic disorder se hai. Aur isme emotional, religious and bahut sari social problems aati hain. फॉर एग्जाम्पल हम सरोगेसी का केस ले रहे हैं, सरोगेसी के अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो सकती हैं जो क्या है बच्चे को आगे जाके नुकसान कर सकती है। इससे बेटर तो क्या है आप एडॉप्शन कर लो, लीगल एडॉप्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। इन टेक्निक्स को जाने के बजाय, बिकॉज इनमें सोशल इमोशनल एंड बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसकी जगह पे आप एक एडॉप्शन का मेथड भी ऑप्ट कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आज हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर एंड रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है जो वो सारा कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। कल से हम जेनेटिक्स वाला यूनिट है वो शुरू करने जा रहे हैं।